Today's topic is how to copy the cutout. If we copy the cutout, the selected portion will not get lost from original drawing, and we will get another copy of it at the new location. जैसे आप कॉपी करना चाहते हैं किसी भी सेलेक्टेड पोर्शन को या सेलेक्टेड रेंज को, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सेलेक्टेड पोर्शन है ये एरिया लॉस्ट नहीं, लॉस्ट किस में होता है, कट ऑप्शन में या मूव ऑप्शन में, बट कॉपी में क्या होगा, आपका ओरिजिनल ड्राइंग भी रहेगा और उसका एक कॉपी आप करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। स्टेप्स आर गिवन, सेलेक्ट द एरिया ऑफ द ड्राइंग व्हिच यू वांट टू कॉपी। सिंपली आपको क्या करना है, उस एरिया, उस ड्राइंग एरिया को सेलेक्ट करना है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन कॉपी बटन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में। नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन पेस्ट बटन। अब क्या करना है आपको, पेस्ट बटन पे क्लिक करना है जो हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट, द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ड्राइंग विल अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल कॉपी है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी ड्राइंग का अपीयर हो जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। इस तरीके से आप आसानी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग का, पिक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फ्लिप द पिक्चर। Many interesting tasks can be done in this group. Let us see how to use these options. आप अपने पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली। फर्स्टली क्या करना है आपको, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज। उस इमेज के उस पार्ट को, पोर्शन को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप फ्लिप करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन फ्लिप रोटेट ऑप्शन फ्रॉम द इमेज मेन्यू। अब आपको फ्लिप रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना है इमेज मेन्यू में। देन यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फिगर। फ्लिप हॉरिजेंटल ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लिप हॉरिजेंटल ऑप्शन सेलेक्टेड। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं या 90 डिग्री पे भी आप फ्लिप कर सकते हैं। फाइनली क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ओके, द पिक्चर विल टर्न हॉरिजेंटली। तो क्या होगा, जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर हॉरिजेंटली टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्ट्रेच और एस्क्यू एंड इमेज। आप अपने इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं और एस्क्यू कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं तिरछा करना या टेढ़ा मेढ़ा करना। आप अपने इमेज को तिरछा कर सकते हैं और उसको रोटेट कर सकते हैं। सिंपली इस ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेप दिया गया है, क्लिक सेलेक्ट इन द टूल बॉक्स टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया। आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है टूल बॉक्स में और आपको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर एरिया को, या
Click free from select to select a free from area, या आप free from select पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन रिसाइज बटन। आपको क्या करना है, इमेज ग्रुप में रिसाइज बटन पे क्लिक करना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे रिसाइज एंड एसक्यू बॉक्स अपीयर्स। रिसाइज और एसक्यू बॉक्स क्या होगा, अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। देन अंडर रिसाइज टाइप द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच योर पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप अपने पिक्चर को रिसाइज करना चाहते हैं, उसके लिए परसेंटेज में वैल्यू आप दे सकते हैं, जो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर एसक्यू टाइप द नंबर ऑफ डिग्री टू एसक्यू योर पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसी में एक ऑप्शन है हमारे पास एसक्यू, जिसमें आप नंबर टाइप कर सकते हैं जो कि डिग्री में होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पिक्चर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज होगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट टूल। वी यूज द टेक्स्ट टूल सिंबल टू ऐड टेक्स्ट टू आवर ड्राइंग्स। वी कैन टाइप आवर नेम और एनी नेम टू द ड्राइंग। टेक्स्ट टूल्स एक ऐसा टूल्स है जिसकी मदद से आप नेम या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ड्राइंग का नेम टाइप कर सकते हैं। क्लिक टेक्स्ट बटन इन टूल बॉक्स। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है जो हमारे टूल ग्रुप में अवेलेबल है। नेक्स्ट, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया वेयर यू वांट टू टेक्स्ट। अब आपको माउस पॉइंटर को लाना है ड्राइंग एरिया में जहां आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू मेक द डिजायर्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या करना है, आपको प्रेस करना है लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करना है उस एरिया में जहां आप टाइप करना चाहते हैं और जितने साइज में आप टाइप करना चाहते हैं। सिंपली आप माउस से ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स का साइज डिफाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड टाइप योर टेक्स्ट। अब क्या करना है, आपको कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी आप नेम टाइप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अ फॉन्ट टूल बार अपीयर्स विद ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज टू मेक चेंज। क्लिक ऑन बी टू मेक बोल्ड, आई टू मेक इटैलिक एंड यू टू मेक अंडरलाइन। जैसे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो आपके स्क्रीन पे फॉन्ट टूल बार अपीयर हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट में का फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, इटैलिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बी आई यू दिया गया, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक्स, यू फॉर अंडरलाइन। व्हेन फिनिश्ड क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ये वर्क आपका कंप्लीट हो गया तो आप टेक्स्ट बॉक्स के आउटसाइड बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, हाउ टू जूम अ ड्राइंग। हाउ टू जूम अ ड्राइंग, विद द हेल्प ऑफ जूम वी कैन सी एन इनलार्ज व्यू ऑफ एन इमेज। लेट्स यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज दिस टूल। जूम टूल की मदद से आप अपने पिक्चर को, इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, जूम से नजदीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं उसको। इस टूल्स को यूज करने के लिए स्टेप दिया गया है।
फर्स्ट भी आपको क्या करना है, क्लिक द जूम बटन फ्रॉम टूल्स ग्रुप। आपको जूम बटन पे क्लिक करना है जो अवेलेबल है टूल्स ग्रुप में। देन क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज टू सी इट्स इनलार्ज व्यू। अब क्या करना है आपको, अपने इमेज की किसी भी पार्ट पे क्लिक करना है तो इनलार्ज व्यू आपको दिखेगा बड़े साइज में। द पिक्चर साइज विल सेम टू बी इंक्रीज्ड। आप देखेंगे कि आपके पिक्चर का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। टू कम बैक टू द नॉर्मल साइज क्लिक ऑन व्यू मेनू अगेन एंड सेलेक्ट जूम एंड देन क्लिक ऑन नॉर्मल व्यू। अब आप फिर से चाहते हैं कि प्रीवियस साइज जो पिक्चर का था उसमें आ जाए, तो सिंपली आपको व्यू मेनू में अगेन क्लिक करना है और जूम ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसमें क्या सेलेक्ट करना है आपको, नॉर्मल साइज। तो आपका पिक्चर फिर से नॉर्मल साइज में आ जाएगा। नेक्स्ट पेंट बटन। थ्रू दिस बटन यू कैन क्रिएट, सेव, ओपन एंड प्रिंट योर ड्राइंग। पेंट बटन की मदद से आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं और ड्राइंग को प्रिंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट बटन। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेव अ फाइल। फाइल को आप सेव कैसे करेंगे। इट इज नेसेसरी टू सेव अ फाइल एज व्हेन एवर we want to use it, it can be opened. To save a file, follow the given steps. जब भी आपने कोई ड्राइंग बनाया तो क्या करना है, उसको सेव करना है फॉर फ्यूचर के लिए। सेव करने के लिए स्टेप दिया गया है, स्टेप को फॉलो कीजिए फॉर सेविंग अ इमेज और ड्राइंग। क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट सेव ऑप्शन। सिंपली क्या करना है आपको, पेंट बटन पे क्लिक करना है और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे। टाइप अ फाइल नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स। अब क्या करना है आपको, फाइल का नेम टाइप करना है आपको फाइल नेम बॉक्स में, जो भी आप नेम देना चाहते हैं उस फाइल का। देन क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द फाइल। अब आपको सेव बटन पे क्लिक करना है फाइल को सेव करने के लिए। योर फाइल विल बी गेट सेव्ड विथ योर टाइप्ड नेम। क्या होगा, आपका फाइल सेव हो जाएगा जो भी आपने नाम टाइप किया उस नेम में। नेक्स्ट टॉपिक इज टू ओपन अ सेव्ड फाइल। अब चाहते हैं कि आपने जो फाइल सेव किया है उसको ओपन करना। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन अ सेव्ड फाइल। आपको इस स्टेप को फॉलो करना है जब आप चाहते हैं कि सेव फाइल को ओपन करना। सिंपली क्लिक ऑन पेंट बटन एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। आपको पेंट बटन पे क्लिक करना है और ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना। द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन्स। क्या होगा, आपके स्क्रीन पे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द फाइल नेम यू वांट टू ओपन फ्रॉम द लिस्ट। उस फाइल नेम को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन ओपन बटन और डबल क्लिक द फाइल नेम। अब क्या करना है आपको, ओपन बटन पे क्लिक करना है, आपका फाइल ओपन हो जाएगा, या सेलेक्ट करके आपको डबल क्लिक करना है तो भी आपका फाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रिंट द फाइल। ड्राइंग्स कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। टू टेक प्रिंट आउट फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट द फाइल। आप चाहते हैं अपने ड्राइंग को, इमेज को प्रिंट करना,
with the help of printer. Then given steps को follow कीजिए. Step 1, click on the print button and choose the print option. आपको क्या करना है, प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है प्रिंट ऑप्शन. अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल ओपन. क्या होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. देन सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट. आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर को लिस्ट से. बहुत सारे लिस्ट आएंगे, उसमें आपको उस प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना है जिसे आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं. स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट. अब आपको नंबर ऑफ कॉपीज बताना है, स्पेसिफाई करना है कि कितने कॉपीज आप चाहते हैं उसका प्रिंट करना. देन क्लिक ऑन प्रिंट बटन. अब आपको फाइनली क्या करना है, प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना, तो आपका इमेज प्रिंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. नेक्स्ट, लेट अस रिमाइंड. इन पेंट वी कैन ड्रॉ कलरफुल पिक्चर ऑफ एवरी काइंड. पेंट में आप ड्रॉ कर सकते हैं कलरफुल पिक्चर को. वी यूज सेलेक्ट टूल टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया. सेलेक्ट टूल की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर एरिया को. इफ वी कॉपी द कट आउट द सेलेक्टेड पोर्शन विल Not get lost from the original drawing. अगर आप कॉपी करेंगे सेलेक्टेड एरिया का तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉपी भी रहेगा और उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी आपका ड्राइंग है या पिक्चर है. We use the text tool symbol to add text to our drawing. Text tool की मदद से आप text टाइप कर सकते हैं, नेम टाइप कर सकते हैं उस ड्राइंग का. इट इज नेसेसरी टू सेव अ फाइल सो दैट इट कुड बी रीओपेंड एज नीडेड. ये नेसेसरी है, जरूरत है कि आप फाइल जो भी बना है उसको सेव करें ताकि फ्यूचर में उसको ओपन कर सकें, रीओपन कर सकें बेसिकली जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, उसकी जरूरत हो. ड्राइंग कैन बी प्रिंटेड on a printer, on a paper with the help of printer. Drawing को आप print कर सकते हैं paper पे with the help of printer. Thank you.